तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे दो टॉप और एक डुअल बेस की, ठीक है। तो ये वाला सेटअप बहुत दिन से लोगों से कमेंट पर मैं लेकर आया हूँ आज। तो बहुत लोगों का कमेंट था 1000 वाट का टॉप और एक तंगड़ा वाला बेस का वीडियो लेकर आइए। तो मैं आज लेकर आया हूँ 1000 वाट का टॉप और एक 2000 वाट का बेस। डुअल बेस है 2000 वाट का, ठीक है। और सभी चीज़ें का मैं प्राइस बताऊँगा, टोटल सेटअप का प्राइस बताऊंगा, जैसे कि कैबिनेट, टॉप का स्पीकर, बेस का कैबिनेट, बेस का स्पीकर और एक एम्पलीफायर भी है, एक मिक्सर भी है। तो जो लोग अभी भी नए नए डीजे साउंड बनाने वाला है उनके लिए ही बहुत अच्छा होने वाला है वीडियो। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, छोटा सा लाइक करना है बस, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं टॉप के कैबिनेट, उसके बाद बात करेंगे बेस के कैबिनेट। तो अगर आप जब भी कैबिनेट को ख़रीदने के लिए जाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, कैबिनेट को हमेशा अच्छे से देखकर ही ख़रीदना चाहिए, जैसे कि उसके अंदर कैसा प्लाई यूज़ किया गया है, कैसा उसका क्वालिटी है, कैसा फिनिशिंग किया गया है, उसके बाद ही कैबिनेट को लेना चाहिए। और ये आपको याद में रखना है, सिर्फ स्पीकर अच्छे होने से ही आपका साउंड अच्छा नहीं होगा, कैबिनेट भी अच्छा होना चाहिए। और टॉप का कैबिनेट आपको लेना है अच्छा वाला, हमेशा अच्छा वाला कैबिनेट ही लेना चाहिए और मोटा प्लाई वाला ही लेना चाहिए। और टॉप का कैबिनेट आपको लेना है 2 पीस 15000 वाला। अगर कम प्राइस में आपको कोई भी मिल रहा है तो ज़रूर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा और प्लाई हो सकता है अच्छा नहीं होगा, इसलिए अच्छा वाला लीजिए। 15000 में जो पीस मिलता है, 2 पीस आपको 15000 में जो वाला मिलेगा वही वाला लीजिए और अच्छे से देख कर लीजिए। तो 2 पीस का प्राइस आपको कैबिनेट, टॉप का कैबिनेट 2 पीस का प्राइस अप्रॉक्स 15000 में मिल जाएगा। और अगर बात करें डुअल बेस की, तो डुअल बेस का भी आपको ख़रीदने समय देख लेना चाहिए, अच्छा वाला ही लेना चाहिए। जहाँ पर आपको अच्छा वाला मिलता है वहीं से लीजिए और प्लाई को हमेशा देख कर लीजिए, अच्छा वाला प्लाई लगाया गया है कि नहीं, और फिनिशिंग भी मायने रखती है, इसलिए फिनिशिंग की भी देख लेना चाहिए। और डुअल बेस का अगर प्राइस की बात की जाए तो डुअल बेस का कैबिनेट का प्राइस होता है अप्रॉक्स 15000 एक पीस, और एक पीस का प्राइस होता है अप्रॉक्स 15000, और टॉप के 2 पीस कैबिनेट का प्राइस होता है 15000, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं टॉप के स्पीकर। तो यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं पी ऑडियो के स्पीकर। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, पी ऑडियो के स्पीकर कम बजट में बहुत ही अच्छे स्पीकर होते हैं और मैं रिकमेंड भी करता हूँ पी ऑडियो के स्पीकर लीजिए। अगर आपके पास बजट कम है तो पी ऑडियो की तरफ जा सकते हैं, पी ऑडियो के स्पीकर कम बजट में बहुत ही अच्छा वाला स्पीकर आता है। और इस डीजे सेटअप के टॉप में हम लोग लगाएंगे पी ऑडियो के 15BM500B, ये वाले स्पीकर हम लोग लगाएंगे इस डीजे सेटअप के टॉप में। और इस स्पीकर का वाट है 500 वाट का स्पीकर है ये वाला, और इसका अप्रॉक्स प्राइस आता है, ऑनलाइन प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, 7300 है इसका ऑनलाइन प्राइस, और अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो अप्रॉक्स 7000 में आपको मिल जाएंगे। तो 4 स्पीकर हमको चाहिए होगा दो टॉप बनाने के लिए, तो 4 स्पीकर के हमारे हो जाएंगे 28000 में हमारे टॉप के 4 स्पीकर कंप्लीट हो गए हैं। और चलिए देखते हैं इसका HF। तो हमें चाहिए होगा 2 पीस HF और 2 पीस नेटवर्क, यानी कि क्रॉसओवर भी बोलते हैं, और 2 पीस HF और नेटवर्क के लगभग हम लोग 5000 मान लेते हैं। तो 5000 भी और भी ऐड होंगे हमारे टॉप के स्पीकर के साथ, और भी 5000 हमारे ऐड हो गए। और मैं एक जगह पर इसको सबको मैं लिख लेता हूँ और आप भी एक जगह पर लिख लीजिए। और चलिए अभी देखते हैं हमारे जो बेस के स्पीकर है, चलिए देख लेते हैं। तो इस डीजे सेटअप के बेस में हम लोग लगाएंगे वही पी ऑडियो के ही स्पीकर, और इसका मॉडल नंबर है पी ऑडियो P180x2242, और ये वाला स्पीकर आता है हमारा 1000 वाट का AES पावर में, और स्पीकर काफ़ी अच्छा है, और 2242 है इसका मॉडल नंबर, और जैसे कि मैंने बताया 1000 वाट का AES पावर में आता है। और इसका अगर अप्रॉक्स प्राइस की बात की जाए 11500, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन प्राइस है, अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो अप्रॉक्स आपको 11000 में भी मिल जाएगा। तो 2 पीस ये वाला स्पीकर हमको 2 पीस चाहिए होगा और डुअल बेस में लगाने के लिए, तो 2 पीस स्पीकर का प्राइस अप्रॉक्स 22000 हो जाएगा। तो इस 22000 को भी चलिए ऐड कर लेते हैं। और चलिए एम्पलीफायर देखते हैं, इस एम्पलीफायर में ये दो टॉप और ये वाला बेस अच्छे से बच पाए।
तो हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं एक 4000 वाट का एम्पलीफायर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है स्टैंजर का SPB4K। और आप चाहते हैं तो दूसरा किसी एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैंजर के SPB4K के एक एक चैनल में 2 ओम्स पर आउटपुट होता है 2000 वाट का, 4 ओम्स में आउटपुट होता है अप्रॉक्स 1500 या फिर 1600 वाट का, और 8 ओम्स में आउटपुट होता है अप्रॉक्स 1000 वाट का। तो हमारे पास है 1000 वाट के टॉप, और इस एम्पलीफायर में 2 ओम्स में 2000 वाट का आउटपुट हमें मिल जाता है। तो दो टॉप को हम लोग पैरेलल कनेक्शन करके एक चैनल में लगा देंगे, और हमारे पास है जो बेस है हमारे पास वो 1000 वाट का AES पावर वाले बेस है। और अगर हम लोग इस AES को अगर RMS में कन्वर्ट करते हैं तो अप्रॉक्स 770 वाट हो जाता है, और दो बेस एक साथ में पैरेलल कनेक्शन करके अप्रॉक्स 1400 वाट होता है। और इस 1400 वाट के बेस को हम लोग एम्पलीफायर के दूसरे चैनल में लगा देंगे, और हम लोग का एम्पलीफायर में आउटपुट मिलता है 1500 या फिर 1600 वाट का, तो काफ़ी अच्छे से चला देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, स्टैंजर के एम्पलीफायर में बेस काफ़ी अच्छा तो नहीं आता है, आप चाहते हैं तो दूसरा किसी एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। और इस एम्पलीफायर का प्राइस है, स्टैंजर के SPB4K का प्राइस मैं बता रहा हूँ, इस एम्पलीफायर का प्राइस है अप्रॉक्स 35000। आप अगर दूसरा किसी एम्पलीफायर ले रहे हैं तो आपके हिसाब से ऐड कर लेना, मैं इस एम्पलीफायर का प्राइस ऐड करता हूँ। तो अभी अगर बात करें टोटल प्राइस की, तो मैं स्क्रीन पर सब कुछ दे रहा हूँ, और अगर कुछ छूट जाए तो माफ़ कर देना यार, बहुत ज़्यादा बड़ा लिस्ट हो गया है तो माफ़ कर देना। तो यहाँ पर टॉप के कैबिनेट का प्राइस हुआ है 15000, बेस के कैबिनेट का प्राइस हुआ है 15000, टॉप के स्पीकर का प्राइस हुआ है 28000, और HF एंड नेटवर्क का प्राइस हुआ है अप्रॉक्स 5000 मान लिया है, और बेस के स्पीकर का प्राइस हुआ है 22 यानी कि 22000, और हमारा 4000 वाट का एम्पलीफायर का प्राइस मैंने पकड़ा है 35000। तो आपके हिसाब से ऐड कर लेना 4000 वाट के एम्पलीफायर का प्राइस। तो टोटल प्राइस मेरा यहाँ पर हुआ है 120000। तो 120000 में हमारा ये वाला सेटअप रेडी हुआ है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इससे अच्छा भी सेटअप हो सकता है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये वाला सेटअप आपके लिए मिला है कम बजट में, ये वाला सेटअप काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आपके लिए मैं थोड़ा सा भी हेल्प कर पाया हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं, और तो फिर आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। और मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, बाय बाय।